इसको आपको डिफरेंशिएट करना है या यूं कह लीजिए इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है. डबल डेरिवेटिव निकालना है दैट मींस चलिए इसे लेट कर लेते हैं वाई से इक्वेशन नंबर वन. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. ठीक, तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, मतलब इनका ये लगभग एग्जाम में नहीं आएंगे आपके पास. ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, लेकिन ये आपके सीखने के लिए है कि डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए सिर्फ. देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डबल डेरिवेटिव निकाला तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स. और ये वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ इन एक्सपोनेंट फॉर्म. ठीक है, तो ये एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, और माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया तो माइनस टू लिख सकते हैं, और x पावर माइनस टी को आप क्या लिख सकते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर. ये फाइनली क्या आ गया आपका माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. तो ये आपका आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है,